दिव्यांग सेवा में अग्रणी ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान पुष्कर की ओर से दीपावली उत्सव मनाया गया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं दिव्यांग स्कूल में बच्चों ने रामलीला के रूप में एक छोटा मंचन भी पेश किया। इस दौरान पुष्कर के भामाशाहों ने बच्चों को मिठाइयां बांटी और फैंसी ड्रेस भी दी गई। दिव्यांग स्कूल की सचिव एवं संस्थापिका वेद प्रभा निमरानिया ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को फैंसी ड्रेस वितरित की गई। वहीं बच्चों ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता का रूप धरकर रामलीला का एक छोटा मंचन पेश किया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस समारोह के मुख्य अतिथि पुष्कर के प्रसिद्ध पंडित कैलाशनाथ दादिच, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर एवं महावीर गुजर थे। अभिभावकों की ओर से चंद्रकांता शर्मा, उषा शर्मा एवं पुष्कर के व्यापारी चेतन खत्री मौजूद रहे। यही नहीं, बच्चों ने पेंटिंग भी बनाई है और कई कंपटीशन में भाग लिया। जिन भी बच्चों ने भाग लिया उन्हें पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। वेद प्रभा निमरानिया ने बताया कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, जिससे दिव्यांग बच्चे खुश रह सके, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि दिव्यांग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे। और हमारे हिंदुओं के त्यौहार वो भली भांति जान सके, पहचान सके। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़, देखते रहिए हमारा चैनल।